आपने सुना होगा कि फिल्में आती है और जाती है। कहने का मतलब है ज्यादातर फिल्में सिर्फ कुछ ही दिनों तक चलती है, शुक्रवार को रिलीज होती है, वीकेंड में धमाल मचाती है और फिर धीरे धीरे दर्शकों का उत्साह कम होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीकेंड खत्म हो जाता है और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट आते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर बड़ी फिल्में ईद, दिवाली, क्रिसमस या फिर गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसे त्योहारों पर रिलीज होती है, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। साल 2024 के 15 अगस्त पर 4 बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हो रही है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर एक साथ 4 बड़ी हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। देश भर में कई भाषाओं की फिल्में 15 अगस्त को आ रही है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात कर रहे हैं। इस लिस्ट में है अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, बानी कपूर और फरदीन खान की खेल खेल में, जॉन अब्राहम, शर्वरी बाग और तमन्ना भाटिया की वेद, और श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की स्त्री 2 बड़े पर्दे पर साथ आ रही है। इसके अलावा साउथ की फिल्म डबल आई स्मार्ट भी इसी दिन रिलीज हो रही है, जो हिंदी में भी आ रही है। इस फिल्म में राम पोथिनेनी के साथ संजय दत्त भी नजर आएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, फिल्म के मेकर छुट्टियों का पूरा फायदा उठाने के लिए अपनी फिल्मों को बड़े दिनों पर रिलीज करते हैं। इस बार भी यही वजह है। 15 अगस्त के आसपास कई छुट्टियां हैं और मेकर्स को उम्मीद है कि इन छुट्टियों का फायदा उठाकर उनका प्रोजेक्ट अच्छी कमाई कर सकेगा। ऐसी मूवी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।